बायोलॉजिस्ट की हो गई केमिस्ट की भी हो गई अब एक फिजिक्स वाले की स्टोरी सुनानी है अरे आ गए आप लोग आओ आओ वैसे तुम बताते तो हो नहीं चलो फिर भी पूछ लेती हूँ और बताओ कैसे हाल चाल और कैसा रहा आपका आज का दिन और अगर अभी अभी सो के उठे हो तो कल का दिन कमेंट्स में बताओ अच्छा किसी का नाम हवन कौन सुना है तुमने चूल्हा अंगीठी तो सुना होगा नहीं सुना कैसे सुनोगे ऐसे नाम होते ही नहीं है पर जो हमारा आज का भय है ना उसका नाम ऐसा सही है उसका नाम है तसला अब हमारे यहाँ तसला पता है किसको बोलते हैं जिसमें सर्दियों में लकड़ी जला के हाथ सेकते हैं ना उससे तो यार इन्हें शाउट आउट तो क्या ही दूँ मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो एक प्रॉपर क्रेडिट मेंशन कर देती हूँ कि मुझे स्टोरी का आइडिया कहाँ से आया तो मिस्टर ऑब्लिक मिस डम स्मैशर ये बंदा पहले इतना अद्भुत है यार मेरा मन नहीं किया इसका डार्विन की तरह मजे लेने का तो इसलिए स्टोरी ना थोड़ी सिंपल ही रखेंगे तो फोन दियो क्या करेगा शंटी को कॉल कर रहा है तो बर्थ हुआ था इनका टेंथ ऑफ जुलाई एटीन फिफ्टी सिक्स में अच्छा एक बार ये अपनी आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो कि जब आप सात साल के थे तब तो आप क्या किया करते थे क्या याद आया पार्क में खेलना मस्ती करना कार्टून्स देखना स्कूल जाना थोड़ा बहुत मार भी खाना टेस्ला ने अपनी लाइफ का फर्स्ट डेथ देखा था एट द एज ऑफ सेवन और वो भी अपने बड़े भाई का अब सोचिए आप रोज किसी इंसान के साथ खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं सोते जाते सब उसके साथ और अचानक से वो इंसान ना रहे तो थोड़ा तो दिमाग में शौक जाएगा और ऊपर से टेस्ला के बड़े भाई का हुआ था मर्डर तो टेस्ला मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो गए थे इस सिनेरियो के बाद उसके बाद फिर भी उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई करी नॉर्मली और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी उन्होंने फिर उनका एक ड्रीम था थॉमस एल्वा एडिसन के अंडर काम करने का तो इन्होंने पहले एडिसन की कंपनी जॉइन करी दो साल वहाँ पर काम किया और फिर वहाँ से काम करके आए उसके बाद ये एडिसन के पास गए और वहाँ पे इनकी जॉब भी लग गई वहाँ पे इन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया टेस्ला था फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक और एडिसन ने बोल दिया कि देखो ऐसे ऐसे मेरा प्रोजेक्ट है डायरेक्ट करेंट पे तो तुम में से जो भी इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर देगा उसको मैं पचास हजार डॉलर दे दूंगा टेस्ला पूरा दिन रात एक करके मेहनत करने में लग गया और फाइनली एक बहुत ही सुंदर सा इम्प्रोवाइज डिजाइन वो सामने ले आया पर तसला था हमारे एकदम हाउसफुल के अक्षय कुमार की तरफ पनौसी मतलब साथ में ही था एकदम। तो एडिसन ने जब फाइनली पेमेंट करने की बारी आई तो ऐसे बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था कंगाली में आटा गीला अब यहां से दुश्मनी कितनी खतरनाक हुई होगी दोनों के बीच में तुम खुद ही सोचो तो दरअसल ने पहले से ही ना अपने दिमाग में अल्टरनेटिंग करंट वाला कॉन्सेप्ट सोच रखा था ग्रेजुएशन के टाइम पे मतलब एडिसन की कंपनी ज्वाइन करने से भी पहले से अब वो बस इस फिराक में था कि मुझे फटाफट कोई भी रिसर्च करने के लिए कुछ मिल जाए लैब और मैं दुनिया के सामने इस चीज को ला सकूं पर इसका रिवेंज वड़ा वौ वौ वड़ा वौ वौ वाला नहीं गया इसने वाली कंपनी फिलहाल के लिए छोड़ दी अब नई कंपनी खोलने की कोशिश की खुद की कंपनी पर इसका स्टार्टअप घोर अनसक्सेसफुल मतलब लुटिया इतनी डूब गई कि इसने टू -टू डॉलर्स पर डे में गड्ढे तक खोदे लिटरली गड्ढे तक खोदे तो फाइनली तस्ला को ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करने के लिए सपोर्टर मिल गया कौन बोला वेस्टिंग हाउस अब दोनों ने मिल एक बहुत बढ़िया सी कंपनी खोल ली बढ़िया चल रहा था सब कुछ तस्ला ने तस्ला कोयल भी इन्वेंट कर दी उसके बाद लौंडा थोड़ा सा फेमस भी हो रहा था और पेटेंट्स भी मिल गए कई सारे पेटेंट्स मतलब आ, कोई ऐसी रिसर्च जो कि कुछ टाइम के लिए सिर्फ आप ही उस चीज़ पर रिसर्च कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता है पर इतनी स्मूथ इस बंदे की ज़िंदगी चल सकती थी मतलब अभी तक तुमने जो स्टोरी सुनिया उस हिसाब से तो मैं क्या लगता है इतनी स्मूथ चल सकती थी इसकी जिंदगी अल्टरनेटिंग करंट का मार्केट अप जाने के साथ-साथ एडिसन साथ, का डायरेक्ट करंट वाला मार्केट जाने लगा डाउन एडिसन जी की जल गई तो एडिसन ने एक बंदे को जानबूझ के अल्टरनेटिंग करंट यूज करके शॉक देके मर्डर कर दिया उसका उसे मार दिया और बेवकूफी अपने पीएचडी कर चुके लोग ये मान भी गए कि हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट तो बड़ा ही डेंजरस है वही ऑल्टरनेटिंग करंट जो आज हमारे घर में यूज होता है तो यहाँ पे थोड़ी सी तो दिक्कत हो गई थी पर फिर भी तस्ला का काम पाँच साल एकदम बढ़िया चला पर फिर हो गया बैड लक इन टू हंड्रेड तस्ला की लैब जल गई उसके बाद सारी रिसर्चेज सारी इन्वेंशंस सारी नोट्स सब बर्बाद तो तस्ला पाँच साल के लिए पता नहीं कहाँ चले गए पाँच साल बाद वापसी की इन्होंने न्यूयॉर्क में और वहाँ पे फिर इन्होंने सोचा कि मैं अपना एक पता नहीं क्या तो वो टावर वावर पे काम करने वाले थे उन्होंने सोचा वो करूँगा उसके लिए इन्होंने मांगी जे पी मॉर्गन से फंडिंग फंडिंग मिल भी गई अब दो साल अच्छी खासी फंडिंग होने के बाद जब फाइनली एकदम एंड पे था ना प्रोजेक्ट तब जाके जे पी मॉर्गन ने कह दिया बस अब मुझसे ना हो पाएगा दो साल से हो पा रहा था अभी नहीं हो पाएगा देख रहे हो और तुम सोचते हो दुनिया में तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो किसी के पास है ही नहीं और जबकि ये बंदा बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल था और उसके बाद इतना स्ट्रेस से डील करना विल पार था वही बंदे का कि मतलब बस करना है तो बस करना ही है अब यहां से इसके बाद इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब होती गई जिसकी की वजह से इसने कुछ तो एक रेडियो वेव्स पे बहुत यूनिक सी चीज बताई थी जो कि लोगों ने उस वक्त इग्नोर कर दी इसको पागल समझ के और उसके बाद ऑलमोस्ट सौ साल बाद साइंटिस्टों ने वो चीज निकाली उसको प्रूव किया और बोला अरे तस्ला तो सही था और शादी ना करने का इसने इतना अजीब रीजन दिया ना कि बस क्या ही बताऊं फिर ये बोलने लगा कबूतर मुझसे बात करते हैं मैं कबूतरों से बात करता हूँ गरीबी इतनी कि सस्ते से सस्ते होटल में रहना पड़ा और उसके बाद हो गया से तीन नंबर से ऑब्सेशन मतलब हर चीज तीन चाहिए जैसे प्लेट में खाना खा रहे हैं ना तो नीचे तीन नैपकिन रखे हुए होने चाहिए कोई होटल का स्टाफ आ रहा है तो तीन मीटर दूर खड़े हो मेरे से है किसी बिल्डिंग के अंदर जाएगा ना तो पहले तीन बार टाइल्स के ऊपर चल के फिर बिल्डिंग में जाएगा लास्ट प्रोजेक्ट इसने अपना अनाउंस किया था डेथरे और उसके आने से पहले इसकी खुद की डेथ हो गई इसलिए वो प्रोजेक्ट आ ही नहीं पाया दे। <देखे देखे देखे। पीछे से। एक बार में मान गया आज ओए मूड क्यों ऑफ है तेरा यार शंटी के भी नाइन थ्री परसेंट आए सिर्फ मैं एक हूँ, बाकी सब अच्छा पढ़ने अरे तुम पागल है क्या नलायक तो, तो है तूने वो गलत है तो नहीं है पर मुझे ऐसा लगता है जो भी इन्वेंशन मैंने इनके देखे उस हिसाब से कि ये चाहते थे कि कंट्रीज के बीच में वॉर्स ये लड़ाईया वगैरह सब ना हो और अगर हो भी रही हैं तो भी किसी की जान ना जाए उसमें चलो इसको यही रैपअप करते हैं अब एम करते हैं नाइन लाइक्स मुझे भी ऑब्सेशन हो रहा है ये थ्री वाला पहले थ्री लाइक्स फिर सिक्स लाइक्स फिर नाइन लाइक्स और बाकी शेयर तो तुम करोगी नहीं है ना टीचरों की जेब से मार्क्स जाते तुम्हारी जेब से शेयर्स जाते हैं बचा लो बचा लो मेहनत की कमाई होगी अरे कर दिया करो यार शेयर अच्छा और किसी साइंटिस्ट का अगर तुम्हें नाम सजेस्ट करना है तो तुम कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब करो ठीक है चलो बाय बाय राम राम खुदा हाफिज़ रब रखा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो